आज हम देखने वाले हैं एक गटर का पार्ट है जो इस पे हम पूरा स्टील स्ट्रक्चर खड़ा होगा। इसमें हम कुछ मिस्टेक्स देखेंगे इस वाले में। तो ये हमारा थ्रेड वाला पार्ट होगा जिस पे गटर का पार्ट जो ऊपर वाला जो होगा स्ट्रक्चर का वो अटैच करके इस पे बेस प्लेट डाल के कस दिया जाएगा बोल्टेड कनेक्शन से। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स क्या है कि ये आप देख रहे हैं ये रेनफोर्समेंट का पार्ट है, ये कंप्लीट स्टील पार्ट है जो कि इस लेवल से ऊपर आया हुआ है। तो ये हमारा इस पूरे सरफेस के अंदर ही होना चाहिए था लेकिन कटिंग लेंथ के मिसकैलकुलेशन की वजह से ये हमारा ऊपर आ गया। तो बाद में ये क्या होगा जब ये कोरोजन होगा तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फट जाएगा। तो ये हमारा बेस बहुत वीक हो जाएगा। जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट का मेश बनाया गया होगा यहाँ पे जो पूरा रिंग डाल के बनाया गया होगा पहले रेनफोर्समेंट का स्ट्रक्चर, इसमें कवर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड कवर ना के बराबर है, अप्रॉक्स आधा इंच के बराबर होगा। और इस साइड कवर की बात करें तो ये हमारा 3 इंच दिया गया है। तो ये कंप्लीट मिसकैलकुलेशन और लेबर के जो हमारा साइट इंजीनियर होगा उसके गलती के वजह से हुआ विजिटिंग ना करने के कारण। यहाँ पे आप कवर की स्थिति देख सकते हैं तो पूरा मेस टेढ़ा हो जाने के कारण ऐसा हो गया है। यहाँ पे भी आप इस साइड कवर देख सकते हैं, बस इसमें 2 इंच दिया गया, इस साइड में 2 इंच और इस साइड आधा इंच और यहाँ पे तो है भी नहीं। तो ये कंप्लीट स्टील जब कोरोजन होगा तो ये फट के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बेस कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे जो ये कवर इस साइड देखिए आप यहाँ पे 4 इंच रखा गया, मतलब कि चारों साइड से इक्वली कवर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की। तो ये जो लेंथ बाहर आया है ये 4 इंच का, 3 इंच का, 2 इंच का, ये बाद में प्लेट बैठाने के टाइम में सबको कट करना पड़ेगा। तो वो कटिंग के लिए जो हमारा लेबर कॉस्ट जो इक्विपमेंट्स के खर्चे होंगे वो जो हमारा होगा वो एक्स्ट्रा जाएगा। तो अगर हम शुरू में ही ये मिस कैलकुलेशन ना करें तो ये अमाउंट हमारा बच सकता है और स्ट्रक्चर में बजट हमारा काफ़ी कम हो सकता है। इसमें आपको दिखाएंगे बहुत सारे बेस गटर में ऐसा रखा गया, यहाँ पे आप देखिए इस वाले पार्ट में भी एक ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है, बाहर आ गया। लेंथ बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 इंच है, यहाँ पे इस साइड 3 इंच दिया गया है, यहाँ बस 4 इंच इस साइड और इस साइड 3 इंच रखा गया। इस वाले गटर की बात करें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं जो रेनफोर्समेंट के बाहर आए हुए हैं। तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल नहीं है IS कोड के हिसाब से। तो ये टोटल मिसकैलकुलेशन के वजह से होता है। तो साइट पे हम बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है वो सही से करें तो हमारा काफ़ी कुछ बच सकता है, काफ़ी खर्चे और एक्सीडेंट होने के भी चांस काफ़ी कम हो सकते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं कंप्लीट ये हमारा गटर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।